शिवनी जिले में कोरोना काल में पड़ने वाले विभिन्न त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर गुरुवार को बंडोल थाना परिसर में शांति सुरक्षा समिति की बैठक रखी गई। इसमें बेकाबू होते हुए कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आगामी दिनों में आने वाले ईद उल अजहा, रक्षाबंधन, कजलिया, गणेश चतुर्थी सहित विभिन्न पर्वों का सार्वजनिक आयोजन नहीं करने की अपील प्रशासन द्वारा की गई। बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर ने बताया कि विभिन्न समुदाय के पर्वों को दौरान सार्वजनिक रूप से धार्मिक जुलूस जैसे प्रतिमा स्थापना और झांकियों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। पूजा पाठ, उपासना, आराधना घर में रहकर की जाएगी। संक्रमण के बचाव के लिए फेस कवर के साथ शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। धार्मिक जगह पर 5 से अधिक व्यक्ति पूजा उपासना, नमाज या प्रार्थना या अन्य अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक कार्यक्रम बरसघाट में 10 व्यक्तियों तथा अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम में 20 व्यक्तियों ही सम्मिलित किए जाएंगे। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में भ्रामक पोस्ट, मैसेज, फोटो या वीडियो शेयर या फॉरवर्ड करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सभी धर्म समुदाय से शांति सद्भाव पूर्व अपने घरों में ही त्यौहार मनाने और इस दौरान शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील पुलिस प्रशासन ने की। शिवनी से महबूज अंसारी की रिपोर्ट। आज अनुभागीय अधिकारी पालू शर्मा जी के मार्गदर्शन और उपस्थिति में शांति समिति की मीटिंग थाना प्रांगण में ली गई थी, जिसमें आने वाले 30 त्योहारों को कैसे मनाना है, किस प्रकार से अपना उसका आयोजन करना है, सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं करना है, इस संबंध में समझाइश दी गई एवं कोरोना महामारी से कैसे बचाव करना है एवं आने वाली समस्याओं को देखते हुए भूमाफिया से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भूमि संबंधी विवाद या गाँव की समस्या को सुना गया और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सद्भावनापूर्वक त्यौहार मनाने के संबंध में चर्चा की और बताया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।